iqbal memorial institute hi, hi, hi. iqbal memorial institute hi, hi. chairman sahab hi, hi. chairman sahab hi, hi. chairman sahab hi, hi. chairman sahab hi, hi. iqbal hi, hi. my school boys girls hi, hi. my एक्चुअली आज हम पेरेंट्स यहाँ पर आए थे असाइनमेंट लेने के लिए इकबाल मेमोरियल स्कूल में, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कल हमने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी कंप्लेंट दिया था, सीओ श्रीनगर को भी कंप्लेंट की थी। यहाँ पर विदाउट एनुअल चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन फी, बस एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फी जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा टिल मई तक, तब तक हम आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे देंगे। डिस्पाइट द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्सो द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद भी ये ऑर्डर्स के वायलेशन कर रहे हैं। ये बिल्कुल कोई भी ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है। कल डायरेक्टर साहब ने इनको फ़ोन भी किया था यहाँ पर, तो इन्होंने कहा था हम आज आपको यहाँ पर पेपर दे देंगे, कोई किसी भी पेरेंट से आपको कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, सबको दिया जाएगा, कोई एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब आज पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम यहाँ पर बिना एनुअल चार्जेस के, दोबारा से साफ मना कर दिया कि बिना एनुअल चार्जेस के हम कोई आपको पेपर नहीं देंगे। कल चेयरमैन साहब से भी हमने बात की थी, वो भी बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर से तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं ऑर्डर्स? आज तक हमेशा यहाँ पर ऐसा ही होता है, और हम हर बार जब भी कोई रिजल्ट होता है, जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है, तो यही कहानी रोज़ की रोज़ यहाँ पर होती है। तो हम चाहते हैं इसको वंस फॉर ऑल ये खत्म होना चाहिए, और पेरेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए।